आने वाले प्रादेशिक चुनाव में और राष्ट्रीय चुनाव में जो भारत के सत्ता संचालन के लिए चुनाव होगा उसमें जनगणना प्रस्तावित है, जनगणना होगी। तो जनगणना में सब कुछ पूछा जाएगा, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय, धर्म लिखिए हिंदू, जाति लिखिए फलां, कौन कौन भाषा आती है तो और कोई भाषा लिखिए चाहे न लिखिए, संस्कृत का नाम जरूर लिखिएगा, मुझे संस्कृत भी आती है, क्योंकि संस्कृत इसलिए लिखना अनिवार्य है कि आज पिछली जनगणना में संस्कृत से अधिक उर्दू को नंबर मिला है। यदि आपने संस्कृत, कितने लोग उर्दू बोलते हैं भारतवर्ष में, यदि आप इसी तरह, अरे भाई संस्कृत के श्लोक बोलते हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम तुम्हें माता च पिता तुम्हें व नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम मनोजवम मारुतुल वेगम, हम सभी भारतवासी सनातन संस्कृति जानने वाले एक दो श्लोक तो बोलते ही हैं, संस्कृत भले न बोल पाए समझते तो भाई हैं। कक्षा 8 तक तो अनिवार्य है पढ़ना, उसके बाद थोड़ा बदलता है। संस्कृत यदि आप लिखेंगे कि हाँ हमको संस्कृत बोलना भी आता है, संस्कृत समझना भी आता है, तो संस्कृत आगे से विद्यालय के पढ़ाई में सम्मिलित होगी, नहीं तो संस्कृत को 8वीं अनुसूची से बाहर कर दिया जाएगा। संख्या बहुत कम है मानने वालों की, जनगणना कह रही है, मुझे संदेश आया है दिल्ली से, महाराज श्री इसका ध्यान रखें आप कि संस्कृत के प्रति प्रजा को अवश्य जागृत करें, क्योंकि संस्कृत के लिए लोग कम हाँ करते हैं। अंग्रेजी कौन भाषा है, ना कोई ग्रामर है, बोलो कुछ लिखो कुछ, लिखो कनालेज बोलो नालेज, लिखो हवावर कहो आवर, अंग्रेजी कोई भाषा है? हमारे एक संत थे सरधाम अयोध्या जी में, तो कहते थे अंग्रेजी मलच्छ भाषा है, इसका अपना कोई व्याकरण नहीं है, बोलने वाला गुरुजी जो समझा देंगे वही बोलेगा, यदि वो सीधा गुरु से नहीं गुरुमुख से नहीं सुना तो वो जो लिखा है वही बोलेगा ना। अंग्रेजी की निंदा नहीं है, उसकी बोलने की स्थिति ऐसी है। देखिए लिखिए नेटुरे पढ़िए नेचर, लिखिए फुटुरे पढ़िए फ्यूचर है। अभी मैं शिव पूजन जी से पूछ रहा था, भैया दीज की स्पेलिंग क्या होगी, तो बताए THESE दीज होता है। हाँ कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन ठीक है आदान प्रदान ठीक अच्छा है, चल रहा है, लेकिन ये मैकाले का सिद्धांत हम लोगों को धीरे धीरे खा रहा है। ये तो अच्छा कहिए कि हमारा प्रधानमंत्री हिंदी बहुत अच्छी जानता है, नहीं तो इसके पहले जो आते थे प्रधानमंत्री लोग अपने बोलते थे अपने समझते थे, क्या बोले माननीय अटल जी ने प्रारंभ किया, वाह बोले जाकर, कोई सम्मेलन था कहां बोले थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में। आप सोचिए आप हमारी अपनी भाषा, मैं एक बार दक्षिण की यात्रा पर था तो मैंने वो उससे कहा, वो बेचने वाले से, क्या भुट्टा बेच रहा था, मक्का बेच रहा था मक्का, हमने कहा हमको 3 दोने में मक्का दे दीजिए, तो वो कितना बढ़िया बोला, बोला हमको हिंदी नहीं आती, हमने कहा अभी क्या बोले हो, 2 तब दिया, हमको हिंदी नहीं आती इतना बोला, हमने कहा मक्का 3 दोना दे दो समझा नहीं। इस तरह का विरोध लोग करते, आप कल्पना करिए, असुरिया राम थे लोका अंधेरे तमसा व्रता। इसलिए जनगणना में संस्कृत के कालम में अवश्य लिखिएगा, हाँ हमको आती भी है, हम बोलते भी हैं, कि बोलते तो है, श्लोक नहीं बोलते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं, रक्ताम भोज दलाभिनाम नयनम पीताम्बरालंकृतम बोलते हैं ना,
ऐसा कोई नहीं है जो छंद श्लोक नहीं बोलता है। नमामि शमीशान, ये क्या संस्कृत में थोड़ी है, नहीं है ना, अंग्रेजी में है। तो जब संस्कृत बोलते हो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, अरे नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम जम मकामि नाम सदाम पदम, ये तो संस्कृत है। संस्कृत बोलते हो फिर नहीं, हमको नहीं आती है, क्यों डरते हो? संस्कृत आती है हमको, समझ भी सकते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, नासा अपने संदेश स्पेस में, अंतरिक्ष में संस्कृत में भेजता है, अंग्रेजी में नहीं भेजता है नासा। हम जब गए थे ना अमेरिका बच्चों को घूमने के लिए, तो वहां बताया, वहां वैज्ञानिक लोग बैठे थे, उन्होंने बताया कि हम सारे संदेश संस्कृत में भेजते हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, उसका कर्म और क्रिया कहीं कुछ भी इधर उधर संज्ञा सर्वनाम डाल के इधर उधर लिखो, अर्थ वही निकलेगा जो आप चाहते हैं। अंग्रेजी में इज एम आर आगे लगा दो तो अर्थ नोट ऑफ इंट्रोगेशन में चला जाएगा, समाप्त। क्या कह रहा है समझ में नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए हम इसको समझें, 7 दिन में हमारे जो संस्कृत के आचार्य लोग हैं, 7 दिन में संस्कृत बोलना सिखा देते हैं। हमारे यहां आए आचार्य, उन्होंने कहा कि महाराज श्री हम चाहते हैं आप सीख लें, हमने कहा छुट्टी लेते हैं फिर सिखाइए, अच्छी बात है, देवताओं की भाषा है, शुष्ट भाषा है, पवित्र भाषा है, सारे सदग्रंथ हमारे संस्कृत में है। अरे इतना तो बोल ही सकते हैं कि आदान प्रदान हो जाए। भारत में कोई ऐसा गांव है वहां सभी लोग संस्कृत ही बोलते हैं। हमारे चित्त में ये बात उतरे, हम संस्कृत के समर्थन में अवश्य रहें।